जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे एनबीएफसी लोन एप्लीकेशन या पर्सनल लोन, अगर आपने बैंक से लिया है या क्रेडिट कार्ड का लोन आपके पास ड्यू है और आप रिपेमेंट किसी भी कारण से नहीं कर पा रहे हैं और आपको कॉल करके काफ़ी लोग परेशान कर रहे हैं, कॉल आप रिसीव भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो को इन तक वॉच कीजिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको अल्टरनेटिव बताऊंगा कि अगर आपको इनको इग्नोर करना है तो आप इनको इग्नोर ऑफिशियली कैसे कर सकते हैं, ये बात मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को इन तक वॉच करेंगे। अगर आपने भी पर्सनल कारण से लोन लिया था और इस वजह से आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास जॉब नहीं है या फिर आपके फाइनेंशियल इशू चल रही है या हेल्थ कंडीशन अच्छी रही है जिस वजह से आप पेमेंट करना चाहते हैं लेकिन पेमेंट कर नहीं पा रहे, तो वीडियो को इन तक वॉच करते रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूले। सबसे पहली दोस्तों दिक्कत क्या आती है कि कॉल्स कंपनियों के इतने आने स्टार्ट हो जाते हैं कि काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। काफ़ी लोगों को कुछ उल्टा सीधा भी कॉल के द्वारा कहा जाता है, उनको मॉरली डीवैल्यू किया जाता है और ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि देखने के लिए मिलती है। और ऐसी काफ़ी रिकॉर्डिंग्स है जो मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में शेयर भी कर चुका हूं कि देखिए किस तरीके से एप्लीकेशन वाले बदतमीजी भी करवाते हैं, खुद नहीं करते हैं, थर्ड पार्टी को नंबर दे देंगे आपका और उससे करवाएंगे। जब आप थर्ड पार्टी की कंप्लेंट करेंगे तो कंपनी वाले बोलेंगे ये तो मेरे किसी एजेंट का नंबर ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे कंपनी को कोई भी नुकसान नहीं होता है, इसीलिए वो हमेशा क्या करते हैं थर्ड पार्टी वालों से आपको कॉल करवाते हैं। अब आपको इनको कैसे इग्नोर करना है वो ध्यान से सुनते रहिएगा, नहीं तो फिर आपको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कंपनियां क्या करती है कि लोन के रिपेमेंट करवाने के लिए ज़्यादातर 1 से 2 महीने तक ट्राई करती है, उसके बाद अगर नहीं हो पाता है पेमेंट किसी भी कारण से तो फिर वो आपको कॉल करना कम करती है या बंद करती है। फिलहाल अगर आप स्टार्टिंग में लोन आपने ड्यू किया है और अगर कंपनी से आपको टाइम नहीं मिला, कंपनी को आपने रिक्वेस्ट किया उसके बाद भी जब आपको टाइम नहीं मिला, तो फिर आपको क्या करना है ध्यान से सुनते रहिए। अगर आपके पास ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं तो आपको कॉल को रिसीव करना है, ध्यान दीजिए कॉल को काटिएगा नहीं, कॉल को करना है रिसीव और रिसीव करके छोड़ दीजिए। कुछ भी आपको यहाँ से बोलना नहीं है, फ़ोन को नीचे रख दीजिए, सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए और आप यहाँ से कोई भी रिप्लाई मत दीजिए। 1 मिनट बोलेगा, 2 मिनट बोलेगा, 3 मिनट बोलेगा, बोलते बोलते फिर अपने खुद से वो फ़ोन काट देगा। फिर से अगर दोबारा कॉल करें फिर से कॉल कीजिए रिसीव और सेम आपको प्रोसेस अपनाना है। ये तो हो गया दोस्तों फर्स्ट स्टेप। सेकेंड चीज़ क्या है जो आप लोग कर सकते हैं डायरेक्टली इग्नोर करने के लिए, अगर आप मीटिंग वगैरह में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं या फिर कहीं और वर्क कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको बार बार कोई डिस्टर्ब नहीं करे, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे सेटिंग्स आती है आपके फ़ोन में, वो आपको ऑन करनी होगी, यानी कि जितने भी ब्लॉक नंबर हो जाएंगे अगर अननोन नंबर से कॉल आते हैं तो वो सभी के सभी ब्लॉक हो जाएंगे। अब जब अननोन नंबर्स की कॉल ब्लॉक हो जाएंगी तो बस आपको पता चलेगा कि कॉल्स आई थी लेकिन वो आपके फ़ोन तक नहीं पहुंचे क्योंकि वो पहले ही ब्लॉक होके अपने आप ऑटोमेटिक कट हो गई। तो ये 2 स्टेप्स हैं जिनको आप अगर फॉलो करते हैं तो आप कॉल्स को इग्नोर कर सकते हैं। अब कंपनियां क्या कर सकती है अगर आपने कॉल को इग्नोर किया, तब इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी लोगों को इसमें भी कन्फ्यूज़न रहती है, तो ध्यान से सुनिए। अगर आप सिम कार्ड तोड़ के भी फेंक देंगे तो कंपनी वाले आपका कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं उखाड़ पाएंगे? क्योंकि उन्होंने दिया है पर्सनल लोन और पर्सनल लोन दिया जाता है रिस्क पे आपके क्रेडिट स्कोर के। क्रेडिट स्कोर अगर आपका अच्छा है तो आपको अच्छा लोन मिला होगा, अगर ख़राब है तो कम लोन मिला होगा। लेकिन अगर आपने लोन का पेमेंट नहीं किया तो कंपनियां क्या करती है, लंबे समय के बाद 6 महीने साल भर होने के बाद जब देखती है कि पैसा उनको वापस नहीं मिला तो वो आपको डिफॉल्टर बना देती है, डिफॉल्टर घोषित कर देती है, यानी कि आपने उनका पैसा नहीं भरा, अब फ्यूचर में आपको लोन वगैरह कहीं से भी नहीं मिलेगा। ये बस आपके साथ होगा ही क्योंकि आपने उनका पैसा नहीं भरा। बाकी अगर आप उनका लोन का पेमेंट करना चाहते हैं तो 6 मंथ्स 3 मंथ्स के बाद अगर आपके पास कहीं से पैसा आता है तो आप उनका पैसा देकर भी क्लियर कर सकते हैं। तो मैं ये क्लियर कट बता दूं कि कंपनी आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन वगैरह नहीं ले सकती। नोटिस तो वो घर पे दोस्तों आएंगे ही, रिकवरी एजेंट्स तो कुछ कंपनियों के 1-2 बार विजिट करने के लिए आएंगे, लेकिन रिकवरी एजेंट से कैसे बात करनी है, कैसे उनसे निपटना है, इस पर भी मेरी काफ़ी वीडियोस है, जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर आप ऊपर दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरीके से हेल्प चाहिए तो उस नंबर पर भी आपको पूरी से पूरी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। और आप भी फोन्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर दीजिए और अपने काम पे वर्क करिए, जो भी आप कर रहे हैं उसको और अच्छे तरीके से करिए, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होइए और इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ और बता नहीं सकता इस टाइम पर। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।